बाल तपस्वी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के चरणों में नारद का प्रणाम। कल्याण हो। कहाँ जा रहे हो नारद? धरती पर। क्यों? यूं तो संसार जानता है नारद को क्रांति पसंद है, शांति नहीं। वीणा के तारों में भी जब तक हलचल नहीं होती तब तक उससे मीठा संगीत नहीं निकलता। आकाश में हलचल होती है तभी बादल घिरते हैं और मैं बरसता है। समुद्र में तूफान के बाद ही किनारे पर मोती पाए जाते हैं। तो आप संसार में हलचल पैदा करने जा रहे हैं? हाँ, आज बहन सरस्वती से मेरी बहस हो गई थी। उसका कहना है कि ज्ञान बिना भगवान नहीं मिल सकते, और मेरा कहना है कि भक्ति से सब कुछ मिल सकता है। भूलते हो नारद, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती। जब तक मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान ही नहीं होगा तब तक भक्ति करेगा ही किसकी। क्षमा कीजिए ऋषिराज, आप ज्ञानी हैं इसलिए ज्ञान को ही सबसे बड़ी चीज समझते हैं, मगर मैं भक्त भी हूँ और कर्म योगी भी हूँ। मैं संसार के सामने ये साबित कर दूंगा कि भक्ति से एक अज्ञानी बालक भी भगवान को पा सकता है। कहीं निराश न होना पड़े। ऋषिराज सनक, नारद को निराशा में भी आशा की झलक दिखाई देती है। तो कहाँ से आपकी खटपट शुरू होगी? खटपट? स्वयंभू मनु के बेटे महाराज उत्तानपाद की राजसभा से। महामंत्री जी, हम सब इस राज सिंहासन को कब तक सुना देखते रहेंगे? जब तक राजमहल में राजकुमार का जन्म ना हो। नारायण नारायण। नारद जी के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो महामंत्री। ये क्या क्या बात है? न राजधानी में चहल पहल, न राजमहल में खुशी, न राजसभा में हलचल, और राज सिंहासन भी। आप तो सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं। राजकुमार बिना राजमहल सुना है इसलिए महाराज और महारानी दोनों तपस्या करने तपो बन गए हैं। अच्छा, तो ये बात है। नारायण नारायण। भाई इधर से जा रहा था, सोचा चलो राजसभा में भी होता चलूं। हाँ, तो महाराज की तपस्या का क्या हाल है? ये तो आप ही जान सकते हैं मुनिराज, आप तो भूत और भविष्य के जानने वाले हैं। कृपा करके बताइए ना कि महाराज को पुत्र की प्राप्ति कब तक होगी? पुत्र की प्राप्ति? नहीं भाई नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा। क्यों मुनिराज? क्यों क्या, इधर मैंने तुम्हें बताया और उधर तुमने गलियों में ढोल पीटना शुरू कर दिया कि नारद जी ये कहते थे, नारद जी वो कहते थे।
और फिर तुम तो जानते हो नारद कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सच सच कहूंगा दुनिया मुझे बदनाम करेगी, लोग कहेंगे लो जी नारद ने राजमहल में आग लगा दी। नहीं भाई, नारायण नारायण। पर ऐसी क्या बात है मुनिराज? अच्छा भाई सुनो, लो बता देता हूँ, तुम्हारे महाराज तब तक बच्चे का मुंह नहीं देख सकते जब तक वो दूसरा विवाह नहीं। दूसरा विवाह? मेरे स्वामी की इच्छा पूरी करो, महाराज के चित्त की शांति के लिए, कुल के लिए और लाखों प्रजाजनों के लिए एक बालक की जरूरत है। भगवान मैं झोली पसार कर तुमसे एक बालक की भीख मांग रही हूँ। नारायण नारायण। आप? प्रणाम देव ऋषि। सौभाग्यवती हो, बैठो। अरे तुम तो बहुत दुबली हो गई हो, क्या कोई तपस्या कर रही हो? नहीं महाराज, तपस्या नहीं, व्रत। ओ, संतान के लिए? हाँ महाराज, पर मालूम होता है हमारी किस्मत ही बुरी है। हरे 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 हरे, बुरा ना मानना देवी, पर मैं समझता हूँ कि इस व्रत से कुछ नहीं होगा। तो फिर कोई दूसरा उपाय बताइए महाराज। उपाय तो है,
मगर तुम इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकोगी। आप बताइए तो सही, मैं सब कुछ करूंगी कुल के लिए, अपने स्वामी की सुख शांति के लिए एक कुलीन स्त्री क्या नहीं कर सकती। और फिर मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मैं माँ बनूं। तो सुनो, अगर तुम माता बनना चाहती हो तो अपनी दबी हुई ममता को उमड़ने दो। ममता की नजर से अपनी उस प्रजा की तरफ देखो जो महाराज के बाद अनाथ हो जाने वाली, और आलीशान महल की दीवारों की तरफ देखो जो किसी बच्चे के रोने की आवाज से गूंजने के लिए बेताब हो रही है। अपने उन पितरों की तरफ देखो जो आंखें फाड़ फाड़ कर तुम्हारे पति की तरफ देख रहे हैं। उनके गर्म सांसों को महसूस करो जिनसे तुम्हारे स्वामी के हाथों में ठहरी हुई तर्पण की अंजलि भी गर्म हो जाती है। कहिए मुझे क्या करना होगा? महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर करना होगा। क्या? दूसरा विवाह? ये तुम क्या कर रहे हो महामंत्री? ठीक कह रहा हूं महाराज, प्रजा कितने वर्षों से देख रही है कि महाराज अपने कुल की लाज बचाने के लिए, प्रजा की रक्षा करने वाला पुत्र पाने के लिए दुख उठा रहे हैं, लेकिन लेकिन इतनी तपस्या करने पर भी कुछ ना हुआ। इससे ये मालूम होता है कि ईश्वर की इच्छा ही ऐसी, और अब प्रजा का ये विश्वास हो गया है कि महारानी सुनीति के कोख से पुत्र का जन्म नहीं होगा, इसलिए महाराज को दूसरा विवाह करना ही चाहिए, यही प्रजा की मांग है। क्या कहा? नहीं नहीं प्रजा, चलो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मुझे मेरे सिद्धांतों का पूर्ण करने के लिए मजबूर न करो। एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना ये कितना बड़ा अधर्म है, कितना बड़ा पाप है। नहीं नहीं महामंत्री, मैं ये पाप नहीं कर सकता, मुझसे ये असर नहीं होगा। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं मां बनना चाहती हूँ भगवान, सौतेली मां नहीं। कुल के लिए और अपने स्वामी की सुख शांति के लिए एक कुलीन स्त्री क्या नहीं कर सकती। मगर मैं औरत हूँ, मेरे पास भी औरत का दिल है, इसे निकाल कर कहाँ फेंक दूँ। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, नहीं, अपने उस बड़े और आलीशान महल की दीवारों की तरफ देखो जो किसी बच्चे के रोने की आवाज से गूंजने के लिए बेताब हो रही है। सुनीते, तुमने कुछ सुना? पधारिए महाराज,
तुमने कुछ सुना? ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझसे क्या मांग रहे हैं? क्या महाराज? कह रहे हैं कि मैं दूसरा विवाह कर लूं। हर्जी क्या है? क्या ये तुम कह रही हो? तुम? क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं जानबूझकर ये पाप करूं? ये पाप नहीं महाराज, कर्तव्य का पालन। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कर्तव्य पालन नहीं करना। जरा सोचो, आने वाली संतान क्या कहे? यही ना कि राजा उत्तानपाद ने एक पत्नी के होते हुए भी दूसरा विवाह किया। नहीं नहीं, मुझसे ये अधर्म नहीं होगा देवी। नहीं महाराज, राजा का एक ही धर्म और एक ही फर्ज है, प्रजा की रक्षा करना। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता वो धार्मिक होते हुए भी पापी। आज लाखों प्रजा राजमहल की ओर टकटकी लगाए अपने होनहार राजकुमार का नन्हा सा मुंह देखने के लिए बेचैन। आपके माता पिता के कान राजकुमार की पहली आवाज सुनने का इंतजार कर रहे। इतना बड़ा राज, इतनी बड़ी प्रजा, इतना बड़ा कुल, क्या इन सबकी रक्षा करना आपका धर्म नहीं है? मगर ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे प्रेम को? मेरा प्रेम इतना बड़ा नहीं जो आप मेरे प्रेम के लिए इन सबका बलिदान करें। और फिर मुझे भी तो एक बच्चा चाहिए, मेरा नहीं तो मेरी छोटी बहन का। से आज तक मैंने आपसे कोई चीज नहीं मांगी, यही मेरी पहली और आखिरी मांग है। मान जाओ ना, मेरी सोनी गोद भरने दो। ना ना कहो, हाँ कह दो, कहो हाँ कहो। अच्छा, अगर तुम भी यही चाहती हो तो। हाँ, आज मैं कितनी खुश हूँ, आज मैं कितनी खुश हूँ। महामंत्री, महामंत्री, चलो अब हम राजधानी चले। तुम वहाँ पहुँचते ही विवाह की तैयारियाँ शुरू कर दो और राजमहल में मंगल बाजे बजने दो। सुनंदा, thank you।
ये सब मुझे दे दोगी तो मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारे सामने इन्हें पहनती क्या अच्छी लगूंगी। उन्हें खुश रखना। अपना सिंदूर तुम्हें दे रही हूँ, इसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ, तुम्हारे घर में आसरा लेने आई हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? बहुत कुछ जो मैं ना पा सकी, जिसके लिए महाराज बेचैन, जिसके लिए प्रजाजन परेशान, जिसके लिए राज सिंहासन की गोद खाली पड़ी, वो ही मुझे भेंट में देना। अच्छा, महाराज आते ही भूल, मैं जाती हूँ। चरणों में प्रणाम। भगवान तुम्हारा कल्याण करें। अरे ये क्या? क्या महाराज? चेहरे पर उदासी, भारी मन, गीली आंखें, दबी हुई आवाज, आखिर बात क्या है? कुछ तो नहीं, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं देवी, बेकार छिपाने की कोशिश ना करो। मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि तुमने अच्छा नहीं किया। क्या महाराज? यही, महाराज की दूसरी शादी करवा के तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भला ऐसा भी कहीं होता है? आपकी बातें भी बड़ी अनोखी हैं ऋषिराज। उस दिन आपने ही तो कहा था कि त्याग करो, और आज कहते हैं कुल्हाड़ी मार ली। अरे 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 अरे, तुमने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया था? हरे हरे देवी, अपने राम तो साधु बाबा है और यही चाहते हैं कि सारी दुनिया लंगोटी लगाकर साधु बन जाए, लेकिन तुम्हें तो अपना बुरा भला सोचना चाहिए था। आप तो मुझे पागल बनाकर ही छोड़ेंगे। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब अच्छा इसी में है कि आज से तुम संसार के माया मोह पर लात मारकर भगवान की बन जाओ। अपना तन मन भगवान की सेवा में लगा दो। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे त्याग, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी भक्ति से ये राजमहल बच्चे की चीख पुकार से जरूर गूंज उठेगा। सच? नारद कभी झूठ नहीं बोलता देवी, यही कहने के लिए आया था। अब जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर कह जाता हूँ कि ओम नमो भगवते नारायणाय, यही तुम्हारे जीवन का मूल मंत्र हो। ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय। मेरी माँ पड़ी मजधार, पार करो ना करो। मेरी माँ पड़ी मजधार, पार करो ना करो। मेरे लाज तुम्हारे हाथ, बाह भरो ना भरो। मेरे लाज तुम्हारे हाथ, बाह भरो ना भरो। गई पूजा दीप जला के, दीप जला के। थक गई पूजा दीप जला के, दीप जला के। आ गई मैं आरती गा के, आरती गा के। आ गई मैं आरती गा के, आरती गा के। मेरी आशा की सुनी वो, नाथ भरो ना भरो। मेरी
जा रहे हो देवर्षि? अच्छे तो हो? हाँ महाराज, बहुत अच्छा हूँ। महाराज, उत्तनपाद के महल में बहुत कुछ परिवर्तन कर डाला है तुमने। हाँ, अब तो सुनीति को सारी उम्र रोना ही रोना होगा। वो तो होना ही चाहिए। दूसरों को सताना और खुद दूर खड़े खड़े मुस्काना, इसके सिवा नारद जी ने और सीखा ही क्या है? क्यों, ठीक है ना नारद जी? हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक। नारद ने सताना ही सीखा, क्योंकि आंसुओं की बूंदों में जिंदगी की झलक होती है। महामुनि, बादलों के झरते हुए आंसू संसार के प्राणियों के लिए जीवन का संदेशा लेकर जाते हैं। महारानी सुनीति के आंसुओं से एक ऐसा अंकुर पैदा होगा, एक ऐसा पौधा लहलाएगा, जिसे धरती अपनी गोद में पाकर धन्य हो जाएगी। अच्छा? हाँ महाराज, ईश्वर का संकेत पाकर ही आज मेरी वीणा के तार झंझना रहे हैं। उनमें से एक ऐसा संगीत निकलना चाहता है जो सारे संसार को मस्ती में डुबो देगा, सोए हुए दिलों को जगाकर उनमें जीवन का संचार कर देगा। और वही संगीत महारानी सुनीति के लिए आशा के दीपक जला देगा। नारायण नारायण। Bye.
बसंत मनाओ जरा, आओ आओ बसंत मनाओ। आवो खिल जावो जरा, मुस्कावो जरा। अपने रसिया को कैसे बुलाती हो तू, रूठ जाए तो कैसे रिझाती हो तुम, रूठ जाए तो कैसे रिझाती हो तुम। ना कहूंगी किसी से बतावो जरा, ना कहूंगी किसी से बतावो जरा। आओ आओ बसंत मनाओ जरा, आओ आओ बसंत मनाओ। आओ आओ बसंत मनाओ जरा,
हो रहा है महाराज? क्या देवी? ऐसा मालूम होता है मेरी साधना के पाए डगमगा रहे, चौकड़ी भूले हुए हिरन की तरह मेरा चित बेकाबू हो रहा है। क्यों महाराज, ये सब क्यों? इसलिए मुद्दत से बिछड़े हुए दो दिल आज कुदरत की गोद में मिल रहे हैं। देवी, इसी खुशी में आज कुदरत पागल होकर नाच रही है। चलो देवी चलो। कहाँ? बड़ी महारानी के महल में। तो क्या महाराज? हाँ, आज की रात महाराज वहीं रहेंगे। आज की रात महाराज वहीं रहेंगे? नजर आ रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं, यही अपनी भूल के बारे में सोच रही थी। भूल? हाँ महाराज। क्या? महाराज, मेरी जरा सी कमजोरी ने मुझे मेरे कर्तव्य से गिरा दिया। खैर, जो होना था वो तो हो चुका, ईश्वर की इच्छा। मगर आज आपको एक प्रतिज्ञा करनी होगी। प्रतिज्ञा? कैसी? यही कि आज से आप मेरे बिना बुलाए मेरे पास कभी नहीं आएंगे। क्यों? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप बहन सुरुचि को भुला दें। मैंने आपको उनके हाथों में सौंपा है, दी हुई चीज कैसे वापस ली जा सकती है? लेकिन वो... लेकिन वेकिन कुछ नहीं महाराज, आपके दिल में मेरी याद बनी रहे, यही मेरे लिए सब कुछ है। मोती जिस हार में बिंध गया है उसे वहीं बिंधा रहने दीजिए, वरना संसार कहेगा औरत का दिल छोटा होता है, वो अपने फर्ज को भूल जाती है। खैर, आज से जब तक मैं आपको ना बुलाऊं तब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे। मुझे वचन दीजिए। वचन? हाँ हाँ महाराज, मुझे वचन दीजिए। बहुत अच्छा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही होगा। तुमने जो चाहा वो किया, लेकिन मैंने जो चाहा वो ना कर सका। अरे तुमने कुछ सुना क्या? बड़ी महारानी को है? तारीफ तो ये है कि दोनों को, पहले बड़ी रानी का और कुछ रोज बाद छोटी रानी का होगी। राजकुमार, राजकुमार, बड़ी महारानी का पुत्र हुआ, राजमहल में युवराज का जन्म हुआ। धन्य है धन्य, बालक तो बड़ा सुंदर। इसका नाम आप ही बताइए ना मुनीरा। मेरी राय में तो ध्रुव कुमार अच्छा है। ध्रुव कुमार? ध्रुव कुमार, ये तो बहुत अच्छा नाम है मुनीराज। तो फिर कुछ भविष्य भी बताइए महामुनि। हाँ मुनीराज, बालक का भविष्य भी तो बतलाइए ना। भविष्य? नारायण नारायण, जरूर बताऊंगा राजन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बालक अपने नाम से दुनिया में प्रसिद्ध होगा। ये तो बड़े आनंद की बात है, मगर कुछ और? और फिर कभी बताऊंगा। छोटी रानी कहाँ है? आज मेरे महल को इतना सजाओ कि इंद्र का महल भी शर्मा जाए। मेरे जेवर और कपड़े सब भिखारियों को बांट दो। नहीं नहीं, उन्हें यहाँ ले आओ, मैं ही अपने हाथों से बांटूंगी। नारायण नारायण, ये ऋषि के चरणों में प्रणाम। सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। आहा, आज तो यहाँ बड़ी चहल पहल है, क्या बात है देवी? क्या आपको नहीं मालूम बड़ी महारानी को लड़का हुआ है? लड़का हुआ है? ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ? ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है
कि आज राजमहल में बधाई का दिन आया। हाँ हाँ ठीक है देवी, लेकिन कौन जानता है कि सागर के ठंडे पानी के नीचे आग छिपी हुई, या किसे मालूम कि रोशनी के पीछे अंधेरा छिपा रहता है। क्या मतलब? आज अगर चंदन की तरह ठंडा है ना, तो कल शोलों की तरह जलता हुआ। लेकिन मुझे इन बातों से क्या मतलब, मैं तो आशीर्वाद देने आया था। सो अब जाता हूँ। ठहरिए मुनिराज, आपने ऐसी बातें कह के मुझे उलझन में डाल दिया है। क्या बात है, जरा साफ साफ कहिए। अरे नारद जी क्या कहेंगे, इन्होंने सिर्फ गोल गोल बातें ही करना सीखा है। अगर साफ साफ सुनना हो तो मुझसे सुनो, मैं कहती हूँ। सुनती मुझे क्या किसी का डर पड़ा है? अगर नारद जी डरते हो तो डर है, पर मैं क्यों डरूं? क्या बात कही है कुमती ने, और सच तो यह है देवी, इस तरह की बातें बस औरतें ही खूब कह सकती हैं। मैं बेचारा तान तमूरा बजाने वाला साधु इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं? तुम इन्हीं से सुन लो। मैं चला। नारायण नारायण नारायण। क्या बात है कुमती? तुम्हें मालूम है महाराज ने दूसरा ब्याह क्यों किया था? सिर्फ बेटे का मुंह देखने के लिए। वो तुमसे इसीलिए प्रेम करते थे, तुम्हारे पीछे पीछे घूमते थे। वो तुमसे ऐसी चीज चाहते थे जो बड़ी महारानी उन्हें नहीं दे सकती थी। मगर आज वो चीज बड़ी महारानी ने उन्हें दे दी। आज से वो राजमाता कहलाएगी, उसका बेटा राजकुमार कहलाएगा, और तुम राजमाता होकर भी राजमाता नहीं कहला सकोगी। तुम्हारी संतान, तुम्हारी औलाद कुमती, आज तुम खुश हो रही हो, खुशी से पागल हो रही हो, आज की चमक दमक के पीछे घूम रही हो, मगर तुम्हें ये नहीं मालूम कि आने वाली कल तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतान के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए अंधेरा लेकर आ रही है। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नहीं बड़े
सुंदर बालक है, सचमुच राजकुमार। राजा के घर में पैदा हुआ है तो राजकुमार नहीं तो और क्या होगा। यही तो मैं भी कह रही हूँ, कितना तेजस्वी है, चेहरा दमक रहा है। ना हो तो ना सही, तुम्हारा तेजस्वी तुम्हारे लिए मुबारक रहे, मेरा काला लूटा ही भला। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहन। कुमति जा बच्चे को पालने में सुला दे। जी लाइए मुझे दीजिए। राजकुमार तो तुम्हारा बेटा है, मेरा कहाँ से होगा। तुम मुझे ऐसी बातें सुना सुना कर तीखे तीर क्यों चला रही हो। क्या मैं तीखे तीर चला रही हूँ और ये तुम कह रही हो। हाँ तुम राजमाता हो, तुम्हारा बेटा राज सिंहासन पर बैठेगा और मेरा क्या। मैं तो इस घर में दासी बनकर आई हूँ, दासी के बेटे को राजकुमार कहकर ठिलियाँ क्यों उड़ाती हो। भगवान जानता है बहन कि मेरे दिल में ये कभी ख्याल भी आया हो कि मेरा ध्रुव राजकुमार है। अपनी आंखों की कसम खाकर कहती हूँ, मेरे लिए इसमें और ध्रुव में कोई फर्क नहीं। मैं ऐसी नन्ही बच्ची नहीं हूँ जो ये बातें न समझ सकूँ, पर मैं पूछती हूँ क्या तुम इस बात का जवाब दे सकती हो कि जब से तुम्हारे बेटा हुआ है तब से महाराज इस महल में क्यों नहीं आए। क्या मैं उनकी स्त्री नहीं हूँ। क्या वजह है कि वो तुम्हारे पीछे छाया की तरह घूमते हैं और मेरी छाया से भी दूर भागते हैं, मेरे बच्चे का मुंह तक देखने नहीं आए और तुम्हारे बच्चे को छाती से लगाए रहते हैं। तुम ठीक कहती हो बहन, कसूर मेरा ही है, आज से महाराज तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। अरे आप आ गए, आइए। देखिए महाराज कितना सुंदर बालक है। हाँ हाँ लीजिए लीजिए, बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है। क्यों नहीं। नारायण नारायण। पधारिए मुनिराज। कल्याण हो, सौभाग्यवती हो। आप तो ऐसे समय पर आते हैं। जहाँ मेरी जरूरत होती है मैं वहीं पहुंच जाता हूँ राजन। आहा बालक तो बड़ा सुंदर है। हाँ मुनिराज, इसका नाम और भविष्य भी तो बतलाइए। इस बात का तो हमने ठेका ले रखा है। उत्तम, ध्रुव से बहुत सी बातों में उत्तम, मेरी राय में उत्तम ही नाम ठीक रहेगा। और रहा भविष्य तो कहना ही क्या है। अरे इसके हाथ में तो राजयोग है। राजयोग। हाँ हाँ इस बालक को तो राज सिंहासन पर बैठना चाहिए महाराज। ये कैसी बात कर रहे हैं देवऋषि, आप ही क्यों भूलते हैं कि ध्रुव कुमार इससे बड़ा है। यही एक रुकावट है, नहीं तो इस बालक के राजा बनने में कोई संदेह नहीं था। फिर भी भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो चाहे तो भिखारी को राजा बना सकता है और चाहे तो राजा को भिखारी भी बना सकता है। राजा को भिखारी। भिखारी को राजा। हाँ अच्छा अब चलता हूँ, फिर कभी आ जाऊंगा। नारायण नारायण। भजन के दिन दो चार प्राणी, भजन के दिन दो चार, भजन के दिन दो चार प्राणी, भजन के दिन दो चार। जन्म मरण तू सुधार रे, जन्म मरण तू सुधार रे, भजन के दिन दो चार रे, भजन के दिन दो चार। हाथों से तू दान दे, हाथों से
भगवान हम सबके पिता हैं। हाँ हाँ, पर पिताजी तो मुझे गोद में लेते हैं, ये मुझे गोद में क्यों नहीं लेते? मुझे प्यार क्यों नहीं करते? हाँ हाँ, जरूर करेंगे। तुम मेरे साथ बैठकर रोज भगवान को इसी तरह प्रणाम किया करो और कहा करो, ओम नमो भगवते नारायणाय। कहो, ओम नमो भगवते नारायणाय। ठीक है ना माँ? धन्य है, धन्य है, नारायण नारायण। देव ऋषि के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो देवी। आज तो बहुत दिनों बाद आए मुनिराज। हाँ, जरा घूमते घूमते दूर निकल गया था। कहो, अच्छी तो हो, ये कौन? ध्रुव कुमार जी, प्रणाम करो बेटा। ये कौन है माँ? ये भगवान के भक्त, भगवान से भी बड़े। भगवान से भी बड़े? तब तो ये भगवान के भी पिता है। नमस्कार। कल्याण हो। माँ, मैं भी बड़ा होकर भगवान का भक्त बनूंगा, भगवान से भी बड़ा। देवी, ध्रुव बच्चा है तो क्या हुआ, लेकिन है बड़ा समझदार। वाह, मैं बच्चा कैसे हूँ? बाण चलाना जानता हूँ, कबड्डी में सबको हरा देता हूँ और दौड़ में तो मैं सबसे आगे निकल जाता हूँ। नारायण नारायण। अच्छा, प्रणाम। चिरंजीव हो। हाँ महाराज, उस दिन उत्तम का भविष्य बताते हुए आपने एक ऐसी बात कह दी थी जिसने मुझे आज तक उलझन में डाल रखा है। बात मैंने कह दी थी? नारायण नारायण, मेरी बातों का ठिकाना ही क्या? देवी, तुम मेरी बातों का बिल्कुल ख्याल न किया करो। और फिर मैं कहता हूँ कि जब हिमालय जैसा पर्वत भी अपनी जगह से हिल सकता है तो मेरी जुबान तो दो तोले की है, कभी इधर फिसल गई कभी उधर, इसका ठिकाना ही क्या? देवी,
अगर ये हत्या की जड़ जुबान न होती तो संसार में बड़ी शांति होती। लेकिन मुनिराज, मैं समझती हूँ संसार में सबसे अच्छी चीज जबान ही है, जिससे भगवान का नाम लिया जाता है। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा देवी, मैं तो राजकुमार को देखने चला आया था, ये तो बताओ राजकुमार कुछ पढ़ता भी है? वाह, मैं तो रोज गुरुजी के पास पढ़ता हूँ। उत्तम भैया भी पढ़ता है और भी बहुत से लड़के। नारायण नारायण। माँ आगे बेटा। हाँ। बैठो। हाँ क्या पढ़ाया गुरुजी ने? संसार में सबसे बड़े भगवान हैं, और जानती हो गुरुजी ने और क्या पढ़ाया? क्या कहते थे, पेड़ पत्ते सांप बिच्छू सभी में भगवान रहते हैं। कपाल उसका, मुआ राजा के लड़के को ऐसी ही बातें सिखाया करता है, जब देखो तब भगवान भगवान भगवान। कुमती तू कल उत्तम के साथ जाना, उसे समझा देना कि ये बातें बड़ी रानी के लड़के को सिखाया करे, उत्तम को नहीं, समझी? जी। नारायण नारायण। कौन? नारद जी। नमस्कार, पधारिए। सौभाग्यवती हो। नारायण, आज तो बहुत दिनों में आया हूँ। ये कौन है? उत्तम। हाँ मुनिराज, नमस्कार करो बेटा। नमस्कार। धन्य है धन्य है। अच्छा बेटा उत्तम, तुम जाओ खेलो, विराजी मुनिराज। नारायण नारायण। महाराज, आपने उस रोज उत्तम का भविष्य बताते वक्त जो बात कही थी, उसने मुझे एक बड़ी उलझन में डाल दिया है। मैंने कहा था? तुम भी पूछ रही हो और बड़ी रानी भी ये पूछ रही थी, बात क्या है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि उत्तम को राजयोग है। यही तो उलझन की बात है, उत्तम छोटा है और ध्रुव बड़ा है, फिर भला उसे राज कैसे मिल सकता है? मिल सकता है या नहीं मिल सकता ये तो भगवान जाने, मैंने तो भविष्य बताया है। यही बात बड़ी रानी से कह दी और यही तुमसे भी कह रहा हूँ। बड़ी महारानी ने ये सब क्यों पूछा था? लो और सुनो, तुम भी कितनी भोली हो महारानी, वो तो दिन रात इसी सोच में रहती है। मालूम है ये भजन भाव तपस्या किस लिए हो रहा है? नारायण नारायण। किस लिए? इसलिए कि नारद जी की भविष्यवाणी कहीं सच हो गई तो उनका और उनके बेटे का क्या होगा? वो तो दिन रात इसी सोच में रहती हैं कि उत्तम को, मेरा मतलब है उत्तम को। नारायण नारायण। छी 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 छी, कितने बुरे विचार हैं। क्या क्या तेरा मतलब है कि वो उत्तम को? ऐसी कौन माता है जो अपने बेटे की भलाई न चाहेगी? माँ अपने बेटे के लिए दुनिया में सब कुछ कर सकती है। आहा हा 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 हा। देवी तुम्हारी ये दासी बड़ी ही चतुर है। अच्छा अब चलता हूँ, फिर कभी आ जाऊंगा। नारायण 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 नारायण। फिर क्या सोचा? सोए हुए शेर की गुफा में खुद ब खुद उसका शिकार नहीं पहुंच जाता, बल्कि शेर को खुद ही शिकार करने के लिए हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। तो बस नारद जी की भविष्यवाणी हमारे सामने है और उस भविष्य को सच करना हमारे हाथ की बात है। माँ अपने बेटे के लिए दुनिया में सब कुछ कर सकती है। चलो राजा का खेल खेले। हाँ चलो, लेकिन आज तो राजा मैं बनूंगा। नहीं तुम राजा नहीं बन सकते, राजा ध्रुव कुमार बनेंगे। ध्रुव तुम बैठो उस सिंहासन पर। नहीं भाई, आज उत्तम भैया को ही राजा बनने दो। नहीं ये राजा का खेल नहीं खेल सकता, तुम ही राजा हो। चलो सुनो। हाँ। चलो भैया।
किसी से डरना, सच्ची बातों के लड़ना। सच्ची बातों पे लड़ना। ध्रुव राजा हो ध्रुव राजा शरण तुम्हारी, ध्रुव राजा शरण तुम्हारी, ध्रुव राजा हो तुम सुनो पुकार हमारी, तुम सुनो पुकार हमारी। रे दाना, रे दाना तुझे माना से डरना होगा, या बिना मौत अब तुझको मरना होगा। ये सतयुग है जय सुनीति की होती है, ये सतयुग है जय सुनीति की होती है, ये सतयुग है यहाँ कुमति सदा रोती है, ये सतयुग है यहाँ कुमति सदा रोती है। तुम राजा हो तुम राजा हो जय राजा हो जय राजा हो जय राजा हो तुम राजा हो। मुझे सत्यानाशी बड़ी चोट आई है। मैं क्या करूं, चली जाओ यहां से। राजकुमार 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 कैसे लगी चोट? क्या पता, ऊपर से एक बर्तन गिरा था। बर्तन गिरा था? कौन था ऊपर? माँ थी और माँ थी तो क्या? नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। किसी दासी के हाथ से बर्तन गिर गया होगा। सुरुचि बहन तो जब से इसे चोट लगी है तीन बार देखने आ चुकी है। आप जाइए, भगवान सब भला करेंगे। अभी आंखें खोल देगा। आप जाकर निश्चिंत होकर राजकार्य संभालिए। और बेटा उत्तम, तुम भी जाकर सो जाओ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक भैया अच्छे नहीं होंगे तब तक मैं यहीं रहूंगा। ओम 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 जुग जले मेरा दीपक, जुग जुग जले मेरा दीपक, जुग जुग जले जुग जुग प्रकाश फैलाए, जुग जुग प्रकाश फैलाए। इतना मांगू भगवान आए आंधिया तूफान, इतना मांगू भगवान आए आंधिया तूफान। ये ज्योति न बुझने पाए, जुग जुग प्रकाश फैलाए।
जुग जुग जले जुग जुग प्रकाश फैलाए जुग जुग प्रकाश फैलाए प्रकाश फैलाए भगवते मधुर सलोना मेरा टूट न जाए खिलौना मनमोहन मधुर सलोना मेरा टूट न जाए खिलौना न जाय खिलौना कुमती न बंद कहलाए जुग जुग प्रकाश फैलाए मेरा दीपक जुग जुग जले मेरा दीपक जुग जुग जले जुग जुग प्रकाश फैलाए जुग जुग प्रकाश फैलाए जय नारायण हरि नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय नारायण हरि 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 नारायण जय स्मेल में क्यों रहा था? वाह, क्यों ना रहता? भैया को चोट आ गई थी। मैं रात को बड़ी माँ के साथ भगवान का भजन गा रहा था। भजन में बड़ी शक्ति है माँ। और जानती हो, भैया तो बिल्कुल अच्छे हो गए। खबरदार, फिर कभी तू उस महल में गया तो? क्यों? क्यों? राजा के बेटे को भजन गाओ से क्या काम? तुझे राजा बनना है, साधु बाबा नहीं। वाह, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ?
राजा तो भैया बनेंगे। क्या कहा? हाँ, सब लड़के भी तो यही कहते हैं। माँ, तुम भगवान के सामने बैठ के भजन क्यों नहीं गाती? बड़ी माँ तो रोज गाती है। नहीं माँ, मैं वहाँ जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। बड़ी माँ बहुत अच्छी है। और मैं बुरी हूँ क्यों? तुम नहीं माँ, कुमति बहुत बुरी है। माँ, तुम जानती हो भैया को चोट कैसे लगी है? अरे गिर गया होगा कहीं से। बड़ी माँ से पिताजी ने पूछा था तो मैंने कहा ऊपर से बर्तन गिरा था, तो बड़ी माँ ने कहा कि किसी दासी के हाथ से गिर गया होगा। क्या सुन लिया महारानी जी? अब मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? क्यों, तेरा क्या बिगाड़ सकता है कोई? क्यों नहीं बिगाड़ सकता? बड़ी महारानी चाहे तो मुझे जमीन खुदवा कर करवा सकती है। मैं भला बिचारी क्या कर सकती हूँ? आज ये शिकायत की, कल न मालूम और कोई शिकायत कर दी तो मैं तो मर गई महारानी जी। तू तो पागल हो गई है। किसी की ताकत है जो तेरी तरफ आंख भी उठाए? मैं भी इस महल में रानी बनकर आई हूँ। माधवी, जैसे खिला पिला कर सुला दे। उत्तम, आइंदा फिर कभी तू उस महल में गया तो वो सांप वाली कोठरी है ना, उसमें बंद कर दूंगी, समझा? जी। कहाँ जा रहे हैं राजकुमार? उत्तम भैया को बुलाने। क्यों? खेलने के लिए। वो आज आपके साथ नहीं खेलेंगे। क्यों? छोटी महारानी नाराज होती हैं। आज उत्तम को सांपों की कोठरी में बंद कर दिया है। सांपों की कोठरी में? हाँ। कहाँ है? चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ। चलो। तो बेचारे अकेले बैठे हुए कितनी देर से आप ही को पुकार रहे हैं। चलो चलिए, जल्दी चलो। नहीं, अंदर है वो। तो फिर दरवाजा खोलो ना। ना बाबा ना, मैं नहीं खोलूंगी। छोटी रानी गुस्से हो गई तो? मैं कहूंगा मैंने खुलवाया था, तुम जल्दी से मुझे अंदर जाने दो, बेचारे उत्तम भैया। अच्छा तो खोल देती हूँ, पर देखना मेरा नाम किसी से नहीं लेना। हाँ, नहीं तो बस। और देखिए नीचे एक और दरवाजा है, खोल के चले जाइएगा। उत्तम भैया, उत्तम भैया, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? उत्तम, उत्तम। कहा है आप में भगवान रहते हैं। जय हो भगवान, आपके लिए और आपके रूप के लिए प्रणाम। कुमती ने तो कहा था कि उत्तम यहाँ है, मगर यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं देता। भगवान आप ही बताइए ना, उत्तम कहाँ है? देखो मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे और राजकुमार के भले ही के लिए किया है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही गला। तू बेफिक्र रह, तेरा इस महल में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा। बिल्कुल सच कहती हो देवी, जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। आप पधारिए मुनिराज। सौभाग्यवती हो। नारायण नारायण। राजकुमार उत्तम कहाँ है? क्यों, अभी बुलाती हूँ। माधवी जरा उत्तम को बुलाना।
अंदर सो रहा है। सो रहा है? लो सुनो, अभी तक सो रहा है। मैं अभी अभी बड़ी रानी के महल में गया था तो देखा कि ध्रुव भगवान की पूजा कर रहा है और उत्तम, उत्तम अभी तक सो रहा है। ध्रुव, ध्रुव भगवान की पूजा कर रहा है? हाँ, नारायण नारायण। मगर वो तो, कोई बात नहीं, सोने दो, आखिर बच्चा ही तो है ना। महारानी जी की जय हो, राजकुमार महल में नहीं है। क्या कहा? नारायण नारायण। क्या कहती है? अरे वही होंगे, तू जा जरा देख कर तो आ। जी। चिंता ना करो देवी, मैंने तो पहले ही कहा था, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बच्चा ही तो है, खेलता खेलता चला गया होगा नागों की कोठरी में और वहाँ सांपों से खेल रहा होगा। क्या कुमती? जल्दी से तलाश करवाओ देवी, कहीं ऐसा ना हो कि। अच्छा मैं जाता हूँ। नारायण नारायण। कुमती, अरे कुमती, महारानी जी, महारानी जी, वो तो वहाँ नहीं है। नहीं है? नहीं। जा जल्दी से उसी कोठरी को तलाश करके तो देख, कहीं तूने ध्रुव के बदले उत्तम को तो नहीं बंद कर दिया। जा जल्दी जा। जी, अभी जाती हूँ महारानी जी। तुम नहीं हम नहीं, सब में वो ही वो, सब उसकी माया, ये सब उसकी माया। जय नारायण हर नारायण, जय नारायण हर नारायण, जय नारायण हर नारायण, जय नारायण हर नारायण। हरे बोलो भीषण पुकारों में तुम हरे हरे बोलो, धर पद्मासन प्रभु भक्ति मगन तुम डोलो, धर पद्मासन प्रभु भक्ति मगन तुम डोलो। नयन मनोहर सुंदर छवि पर मेरा मन लहराया, सब उसकी माया, ये सब उसकी माया। जाग भजन की वेला, शेष नाग उठ जाग भजन की वेला, नहीं बार बार लगता है ऐसा मेला, नहीं बार बार लगता है ऐसा मेला। हरि विश्व रूप हम सब उसकी छाया, सब उसकी माया, ये सब उसकी माया। वो पहाड़ शंकर है, वो पहाड़ भी है और वही शंकर है, वो विषधर है वो नीलकंठ शंकर है। उसी रूप में आया वो जिस रूप में उसे बुलाया, उसी रूप में आया वो जिस रूप में उसे बुलाया, सब उसकी माया, ये सब उसकी माया। जय नारायण हर नारायण, 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 जय नारायण। नारायण नारायण, ये मुसीबत कहाँ मेरे गले पड़ गई। नारायण 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 नारायण।
नारायण नारायण। हे भगवान, उत्तम को तो मैंने सुला दिया था, नहीं मालूम कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया। बचाना नारायण 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 नारायण, बचाना बचाना नारायण 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 उत्तम। ओ राजकुमार उत्तम, कहाँ चले गए? कल्याण हो देवी, ये छोकरे भी बड़े नटखट हैं, कहीं जाने से डरते ही नहीं, सांपों की कोठरी में चले गए थे खेलने। लो भाई संभालो इन्हें, चलो चलो चल रहे। अरे ये दरवाजा कौन पीट रहा है? होगा कोई, तुम जाओ अपने महल में। नहीं नहीं, ये आवाज तो कुमती की मालूम होती है। कुमती की, उसे बचाइए गुरुदेव। अच्छा भाई नारायण नारायण, अरे बाप रे मर गई, अरे बाप रे मर गई, मर गई। नारायण नारायण नारायण, अरे बाप रे, अरे बाप रे, बचाओ बचाओ। नारायण नारायण नारायण, बचाइए, कोई दरवाजा खोलिए खोलिए खोलिए। अरे बाप रे, कुमती राजकुमार मुझे बचाइए, बताइए राजकुमार बताइए। प्रणाम मुनिराज, प्रणाम महारानी जी, मैं तो फंस गई थी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बताइए देवी से, बताइए बताइए, मर गई। राजकुमार बताइए बताइए राजकुमार, अरे बाप रे मर गई मर गई, देवी से बताइए बताइए मुनिराज। नारायण नारायण, जाओ भगवान अपना रास्ता लो, इसे क्यों परेशान करते हो? ये तो बेचारी दासी है, इसे जो ऊपर से हुक्म होता है वही इसे करना पड़ता। नारायण नारायण, देव ऋषि आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, नहीं तो मैं मर जाती, बिल्कुल मर जाती। नारायण नारायण। अच्छा अब सब लोग जाओ, अब कोई डर नहीं है। ध्रुव तुम भी अपनी माता के पास जाओ, मैं चला, अब मैं परसों आऊंगा। परसों? हाँ परसों ध्रुव का जन्मदिन है ना। नारायण नारायण। चलो ध्रुव चलो उत्तम। कुछ समझ में नहीं आता। क्या? यही कि ये मुवाकन फटा नारद नहीं मालूम किस मिट्टी का बना है, जहाँ देखो वही टपक पड़ता है। खैर कुछ भी हो, आज तो नारद जी ने उत्तम की और तेरी दोनों की जान बचाई है। अरे वो मुआ मेरी जान क्या बचाएगा, मेरी जान तो भगवान ने बचाई, वो तो मुझे हर समय पानी में देखता है, अगर उसका बस चला ना तो मेरा। चुप रहो, खबरदार जो नारद जी के लिए कुछ भी कहा तो, जो होना था हो गया। देख आज जो बाजी बिगड़ गई है उसे फिर से संभालना होगा। अरे आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए रानी जी, मैं सब ठीक कर लूंगी। आँख से बचना आसान है लेकिन कुमती से बचना बड़ा ही मुश्किल है, समझ गई? ये
पहले भगवान को प्रणाम कर लो। पर माँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, ये गहने। नहीं बेटा, आज तो ये सब कुछ पहने ही होंगे, आज तुम्हारा जन्मदिन है न? चलो भगवान को प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। अच्छा आप जाओ, पहले अपनी छोटी माँ के महल में जाकर उन्हें प्रणाम करना, फिर कहीं और जाना, समझे? जी। जुग जुग जी और राजकुमार, जुग जुग जी और राजकुमार। आओ भैया, अच्छे तो हो। वाह राजकुमार, आज तो बड़े ठाट बाट है। अरे भाई जन्मदिन है ना। अच्छा, तो इसीलिए राजकुमार ने नए दागिने पहने हैं। हमारा जन्मदिन होगा तो हम भी पहनेंगे। लो तुम आज ही पहन लो। ये क्या कर रहे हो राजकुमार? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने तो माँ से बहुत मना किया कि मुझे ये गहने नहीं चाहिए। मुझे तो वो गहना चाहिए जो मेरे बदन से कभी अलग न हो। ये तो आज मेरे पास, कल और किसी के पास। अच्छा तुम लोग यही रहना, मैं अभी माँ से आशीर्वाद लेके आता हूँ। माँ। आओ बेटा। माँ मुझे आशीर्वाद दो। माँ ने कहा है कि माँ से आशीर्वाद लेके फिर कहीं जाना। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर पहले मुंह तो मीठा कर लो। कुमती जी, जा ध्रुव के लिए मैंने दूध रखा है ना, ले आ। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिराज। सौभाग्यवती हो। आज तो यहाँ बड़ी चहल पहल नजर आती है। होनी ही चाहिए महाराज, आज ध्रुव का जन्मदिन है ना। अच्छा, तो शायद राजकुमार यहाँ तुम्हारे पास आशीर्वाद लेने आए हैं। जी हाँ, विराजिए मुनिराज। चलो बेटा। नारायण नारायण, जन्मदिन पर दो दो माताओं का चिरंजीव रहने का आशीर्वाद, आहा, किसी किस्मत वाले को ही मिलता है। जी। अरे तू जा ना, दूध लिया। दूध मेरे लिए? नहीं नहीं देवी, मैं दूध पीकर क्या करूंगा, पहले ही अच्छा खासा। आपके लिए नहीं, ध्रुव के लिए। अच्छा अच्छा, नारायण नारायण। नारायण नारायण। लीजिए महारानी जी। आहा, धन्य है धन्य है। अरे वाह रे माता का प्रेम। लो पियो बेटा। ठहरना देवी ठहरना। क्यों? क्या करूं देवी, दुनिया में ये जुबान न होती तो बड़ी शांति होती, मुंह पर आई हुई बात रोकी नहीं जा सकती। क्या? मैं भी दूध पीऊंगा और इसी में से। इसी में से? लेकिन पहले तो आपने इनकार कर दिया था। हाँ इनकार तो किया था, पर क्या करूं, दूध का छलकता हुआ कटोरा देखकर मुंह में पानी आ ही गया। इसी में से थोड़ा सा मुझे दे दो। क्या इसी में से? मैं आपको दूसरा दूध ले आती हूँ। नहीं नहीं कुमति, मैं तो इसी में से पीऊंगा, जानती हो क्यों? क्यों? इसलिए कि इसमें माता का प्रेम, माता की भावना,
शक्कर की तरह घुली हुई है। लाओ। थोड़ा सा दे दो ना माँ। लेकिन चिंता मत करो देवी, मृत्यु लोक का दूध पीकर मैं कोई मर नहीं जाऊंगा। यूं तो मैं जहर भी पी सकता हूँ, और फिर ये दूध आहा, ये तो अमृत है अमृत। अच्छा कुमती जा दूसरा कटोरा ले आ। जी लीजिए महारानी। लीजिए मुनिराज। नारायण नारायण। लो पियो बेटा। फेरो राजकुमार। क्यों? रूप, तुम्हारी माता ने तुम्हें क्या सिखाया था? क्या? वही ओम नमो भगवते नारायणाय। भूल गए क्या? क्या कहा था? कि हर काम शुरू करने से पहले नारायण का नाम लिया करो। तुमने दूध पीने से पहले नारायण का नाम क्यों नहीं लिया? जानते हो नारायण का नाम लेने से जहर भी अमृत बन जाता है, और फिर ये तो माँ के हाथ का दिया हुआ अमृत है। अरे ना जाने क्या बन जाए। क्षमा कीजिए मुनिराज। ओम नमो भगवते नारायणाय। नारायण नारायण। मैं ठीक कहती हूँ रानी जी, इस मुए तंबूरे वाले ने सब चौपट किया है। पहले तो कहा मैं दूध नहीं पीऊंगा, फिर कहता है पीऊंगा और इसी में से पीऊंगा। तो इससे क्या हुआ? विष तो सारे दूध में मिला हुआ था। कुछ समझ में नहीं आता क्या बात है। ध्रुव को तूने अच्छी तरह देखा? लो और सुनो, मैं अपनी इन आँखों से देख कर आई हूँ, और तुम भी जाकर देख लो ना। वो सिंगार करके अपनी माँ के साथ दरबारी में तो गया है। मैं तो फिर भी कहती हूँ रानी जी, ये मुआ तंबूरे वाला है ना, इसी ने सब चौपट किया है। यही इधर की उधर उधर की इधर लगाता फिरता है, और ऐसे मौके पर आकर कूदा है मुआ। मुनिराज ऐसे नहीं है, और उत्तम पर तो उनकी पूरी कृपा है। खैर जो कुछ हुआ अब इस बात को यहीं दबी रहने दे। अच्छा हुआ कि मेरे और तेरे सिवा इसे और कोई नहीं जानता। महारानी जी की जय हो। क्या है? महाराज आपको राज्यसभा में बुला रहे हैं। राज्यसभा में? बेटा तुम मेरी गोद में बैठो। नहीं, हम तो भैया के पास
पिताजी की गोद में बैठेंगे। हाँ हाँ आओ बैठो ना। क्षमा कीजिए राजकुमार, ये राज सिंहासन है, यहाँ ध्रुव कुमार ही बैठ सकते हैं। क्यों, जब मैं बैठ सकता हूँ तो उत्तम भैया क्यों नहीं बैठ सकते? हाँ मैं क्यों नहीं बैठ सकता? नहीं मैं तो बैठूंगा उत्तम। नहीं आप राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। अगर राज सिंहासन पर बैठने का इतना ही शौक था तो बड़ी रानी की कोख से क्यों ना पैदा होगा। बहन देवी, बहन उत्तम चल यहाँ से। नहीं नहीं मत भैया। सुनो बहन। देवी माता जी। महामंत्री ये तुमने क्या किया? माफ करिए महारानी जी, राज्यसभा में सभा के कार्य और कानूनों का पालन करना हम सबका फर्ज है। फिर भी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। राज्यसभा के कायदे और कानून बच्चों के लिए नहीं समझदारों के लिए होते, तुम्हें बच्चे की तरफ देखना चाहिए था। और उस मुए मंत्री को तो देखो, ऐसी बातें करता था जैसे राज सिंहासन उसके बाप का हो। मैं पूछती हूँ अब ये अपमान कब तक बर्दाश्त करती रहोगी? धूल भी ठोकर खाकर सर पर सवार होती है। नारायण नारायण, हाहाहा क्या बात कही है, पूरे 52 तोले और पावरती, ऐसे अपमान से तो मरना बेहतर। हाँ महाराज आप ही बताइए अब मैं क्या करूँ। इस मासूम बच्चे का कौन सा अपराध था जो आज वो इस तरह जलील किया गया? मैं ये अपमान किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशक देवी, तुम तो क्या दुनिया की कोई भी माँ अपनी औलाद का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। बदला? बेशक बदला जरूर लेना चाहिए। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। गौ ब्राह्मण प्रतिपाल महाराजाधिराज श्री उत्तानपाद की जय हो। लो अच्छा हुआ महाराज इधर ही आ रहे हैं, मैं चलता हूँ फिर कभी आ जाऊंगा। नारायण नारायण। फैसला कर लेना। देवी ये तुमने क्या किया, तुम चली क्यों आई? चली क्यों ना आती, आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा और मेरे बेटे का इस महल में कोई हक है या नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, दुनिया जानती है कि तुम महारानी हो। ये महल, ये दास दासियां, भंडार, हाथी घोड़ा, जर जेवर सभी कुछ तो तुम्हारा है। इससे क्या हुआ, खाने की चीजें देखकर ही कोई जिंदा नहीं रह सकता। मैं आपकी अर्धांगनी बनकर इस महल में आई हूँ, फिर क्या वजह है कि मेरे बेटे का भरी सभा में अपमान किया गया? ये अपमान नहीं, ये तो राजसभा का नियम था देवी, वो वक्त दूसरा था। अब कहो तो मैं उसे सारे दिन गोद में लिए फिरूं। माफ कीजिएगा मैं इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊंगी। और अगर सचमुच उत्तम आपको ध्रुव की तरह प्यारा है तो वायदा कीजिए कि जो चीज मैं उत्तम के लिए मांगूंगी वो आप देंगे। मांगो, राज सिंहासन को छोड़कर मैं सब कुछ उत्तम को दे सकता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए अपने उत्तम के लिए? मुझे मुझे उत्तम के लिए आपकी गोद चाहिए। गोद? हाँ, जहाँ से उसे कोई ना उठा सके, जिस पर उसे पूरा पूरा हक हो। बस ये कौन सी बड़ी बात, आज से मेरी गोद पर उत्तम का ही हक। बस चलो ये भी फैसला हो गया, ध्रुव के लिए राज सिंहासन और उत्तम के लिए उसके पिता की गोद। तो क्या पिता की गोद राज सिंहासन से भी बड़ी होती है? अरे हाँ, राज सिंहासन पर बैठना तो बड़ी ही मामूली बात है, कोई भी बैठ सकता है। वाह कोई कैसे बैठ सकता है, महामंत्री ने राज सिंहासन पर उत्तम भैया को भी नहीं बैठने दिया। छी 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 छी। उत्तम को राज सिंहासन पर बैठने की जरूरत ही क्या है, उसके लिए तो पिता की मीठी गोद खाली पड़ी है। फिर राज सिंहासन पर कौन बैठे? मैं चाहूँ तो अब भी जाकर पिताजी की गोद में बैठ सकता हूँ। तुम कभी नहीं बैठ सकते। अच्छा तो मैं अभी जाकर बैठता हूँ। सुनो ध्रुव। जी। देखो बालक कोई उठा ना दे। देखता हूँ मुझे कौन उठाता है।
नारायण नारायण। चलो भैया नारद, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? आग सुलगा दी है, खिचड़ी अपने आप ही पकती रहेगी। मैं फिर कहता हूँ, तुमने अभी तक सुनीत को पहचाना ही नहीं। मुझे पहचानने की जरूरत भी नहीं। भैया नमस्ते। पिताजी प्रणाम। माताजी ध्रुव। पिताजी हम भी आपकी गोद में बैठेंगे। हाँ हाँ आओ बेटा। ध्रुव क्या है माँ? तू महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं? हम तो बैठेंगे। नहीं सुरुची, अगर तुम्हें महाराज की गोद में बैठना था तो तुम्हें मेरी कोख से पैदा होना था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तो बैठेंगे। नहीं हम तो बैठेंगे और जरूर बैठेंगे। नहीं भैया। उत्तम ये क्या किया तुमने? वही जो मेरे उत्तम के साथ राज्यसभा में हुआ था। उस रोज तो आप चुपचाप देखते रहे, आज क्या हो गया आपको? लेकिन वो तो राज्यसभा थी, ये तो महल है। ओह, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी ओछी हो। हाँ महाराज मैं ओछी हूँ, बुरी हूँ, सब कुछ हूँ, मगर फिर भी मैं माँ हूँ। उस रोज मैं खून का सा घूट पी कर रह गई, मगर आज मैंने अपना कलेजा ठंडा कर लिया। कलेजा ठंडा करने के लिए तुम्हें यही मासूम बच्चा मिला था जो उसका दिल तोड़ दिया? भला ये कहाँ का न्याय है कि एक बच्चा अपने बाप की गोद में बैठना चाहे, जहाँ उसे हर वक्त बैठने का हक है वहीं उसे न बैठने दिया जाए? और ये कहाँ का इंसाफ है कि एक बाप के दो बेटे, उनमें से एक तो सिंहासन पर बैठ सके और दूसरा सिंहासन की ओर कदम भी ना उठा सके? इंसान की दो आंखें होती है महाराज, लेकिन मैंने आज तक ये न सुना कि किसी इंसान ने अपनी एक आंख पर प्यार किया हो और दूसरी आंख को अपने हाथों से फोड़ दी हो। और फिर अभी अभी आपने क्या कहा था याद है? ध्रुव को राज सिंहासन और उत्तम के लिए आपकी गोद, फिर ध्रुव आपकी गोद में कैसे बैठ सकता है? कुछ भी हो, फूल मेरी ही थी, मुझे दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए था। माँ बाप गलती करते हैं और उसका फल भोगना पड़ता है उनकी बेकसूर औलाद को जो जिंदगी भर रोती है। पर उन्होंने मुझे मारा क्यों? लेकिन इसमें कसूर तेरा ही है बेटा, तूने माँ का कहना क्यों नहीं माना? क्यों महाराज की गोद में बैठेंगे? क्यों नहीं, हम बैठेंगे और जरूर बैठेंगे। नहीं माँ, हम पिताजी की गोद में जरूर बैठेंगे। हाँ हाँ बेटा बैठना, लेकिन पहले अपने को इस लायक तो बना लो। कैसे? भगवान की प्रार्थना करके बेटा। क्या बात कही है देवी। प्रणाम मुनिराज। कल्याण हो। विराजी मुनिराज। राजकुमार भगवान की प्रार्थना करने से क्या नहीं हो सकता? जानते हो अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो तुम पिताजी तो क्या भगवान की गोद में भी बैठ सकते हो? तो मैं भी भगवान को प्रसन्न करूंगा। मगर तू अभी बच्चा है, उसके लिए बड़ी तपस्या की जरूरत है बेटा। तो मैं भी तपस्या करूंगा। आहा, तपस्या से तो भगवान को दौड़कर तुम्हारे पास आना पड़ेगा। जब मेरी माँ मरी थी ना तो मैं भी तुम्हारे ही बराबर था, माँ के मरते ही घर से निकल पड़ा तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। आज मेरी तरफ देख लो, बड़े मजे में हूँ, हर जगह जा सकता हूँ, हर जगह बैठ सकता हूँ, मेरे लिए कोई रोक टोक ही नहीं है। लेकिन तुम ये सब कुछ नहीं कर सकोगे महारानी, इसे खिला पिला कर सुला दो, बालक है, कल सुबह तक सब कुछ भूल जाएगा। चलो बेटा। अच्छा देवी, मैं तो ध्रुव को समझाने चला आया था, और तुम भी इन बातों का बिल्कुल ख्याल ना किया करो, ये तो संसार है, ऐसा होता ही रहता है। नारायण नारायण।
माँ क्या है बेटा? माँ क्या नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते? नहीं बेटा। माँ तब तो ये सच होगा कि नारद जी जब घर से निकले तब मेरे ही बराबर थे। हाँ अब तो सो जा बेटा। माँ क्या है बेटा? माँ अगर नारद जी ने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तू नहीं कर सकता, तू बच्चा है, चल सो जा, सो जा। माँ भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? अब सो जा, कल सब बताऊंगी, सो जा बेटा। तपस्या में बड़ा बल है बालक, तपस्या से भगवान को भी दौड़कर तुम्हारे पास आना पड़ेगा। Thank you.
बेटा। मेरा ध्रुव, 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 पिंगला, तूने उसे जाते हुए देखा, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं जगाया, चली गई यहाँ से, चली गई, चला गया, ध्रुव चला गया, महारानी, महारानी, मैं महारानी नहीं हूँ। मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ जिसका बेटा, बेटा, जिसका बेटा, बेटा, ध्रुव, ध्रुव, मेरा ध्रुव कहाँ, कहाँ है मेरा ध्रुव? सरोवर के जल, तुम तो सारे संसार के जीवन हो, मेरा जीवन मुझे दे दो, मेरा बालक मुझे दे दो, मेरा ध्रुव मुझे दे दो, मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। माँ, 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 मेरा लाल आ गया तू? माँ, कहाँ चला गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? महारानी, छोड़ दो मुझे, मेरा लाल, मेरा लाल कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? तुमने, तुमने मेरे बच्चे को उसकी बाप की गोद से खींच कर जंगल में फेंक दिया। तुम्हें माँ हो, तुम्हें अपना बच्चा प्यारा था, क्या मैं माँ नहीं? क्या मुझे मेरा बच्चा प्यारा नहीं था? तुमने मेरे बच्चे का गला घोट दिया, तुमने मेरे बच्चे का गला घोट दिया, तुमने मेरे बच्चे का गला घोट दिया, तुमने मेरे बच्चे का गला घोट दिया। सुनीता, तुमने मेरे बच्चे का गला घोट दिया, तुमने मेरे बच्चे का गला घोट दिया। सुनीता, महाराज, मेरा बच्चा मुझे ला दीजिए, मेरा बच्चा मुझे ला दीजिए महाराज। देवी, मेरा ध्रुव, शांत हो जाओ देवी। मेरा ध्रुव, 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 सुनीते, ध्रुव, ध्रुव, देखिए, देखिए महाराज, वो जीता, वो शेर, वो भालू मेरा ध्रुव की ओला पकड़ रहे हैं। बचाइए, बचाइए ना दीदी, ध्रुव, ध्रुव, दीदी, दीदी, देवी, राजकुमार, देवर्षि के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो, इस घोर जंगल में कहाँ जा रहे हो? तपस्या कर ले, भगवान को प्रसन्न कर ले। नारायण नारायण, मगर तुमसे? नहीं नहीं महामुनि, मैं तपस्या करूंगा। एक आवाज मुझे यहाँ तक खींचती हुई लाई है, एक प्रकाश जो मुझे रास्ता दिखा रहा था, और मेरी आत्मा बार बार मुझसे कह रही है कि चल आगे बढ़, उस भगवान की गोद में चलकर बैठ।
जहाँ से तुझे कोई न उठा सके। बताइए महामुनि, भगवान कहाँ मिलेंगे, बताइए ना। तुम धन्य हो राजकुमार, यहाँ से कुछ दूर यमुना के किनारे मधुबन नाम का एक सुंदर वन है, वहाँ जाओ। बड़े बड़े भक्तों ने वहाँ भगवान को पाया है, वहाँ जाकर सब जगहों से अपना मन खींचकर भगवान के चरणों में लगा दो। लेकिन मैंने तो भगवान को देखा तक नहीं, उनके चरणों का ध्यान कैसे करूँगा? उनका रूप तो मुझे बताइए। रूप, जिस रूप को बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं देख पाते, योगी हजारों वर्ष समाधि लगाने पर भी जिसका पार नहीं पाते, उस रूप का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है बालक। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। ये संसार भगवान का रूप है, अपनी आत्मा से इस संसार को देखो, इस संसार के हर जीव में अपने आप को देखो, और ये देखते हुए ओम नमो भगवते नारायणा जपा करो। जिस दिन तुम अपने आप को भूल जाओगे, उस दिन निराकार भगवान साकार होकर तुम्हें दर्शन देगा। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। कल्याण हो बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। जाओ, मैं तुम्हारी माँ को समझाने जाता हूँ, वो बेचारी तुम्हारे शोक में पागल हो रही है। नारायण नारायण। इसमें किसी का दोष नहीं राजन, भगवान की इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। नहीं महाराज, इसमें सारा कसूर मेरा ही है। अगर मैं चाहता तो वह यहाँ से कभी न जाता। एक छत्री का बालक तीर और तलवार की चोट बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जबान से निकले हुए तीखे तीर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भूलते हो राजन, कारण के बिना कोई काम नहीं होता। तुम्हारे इस राजमहल की घटना में विधाता का हाथ है। अब अपने मन को धीरज दो, देवी तुम भी शांत हो जाओ और उसके सफल होकर वापिस आने का इंतजार करो। मगर वो है कहाँ? मधुबन में। नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। भगवते नारायणाय। ओम नमो 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 भगवते नारायणाय। सोहम 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 सोहम। ओम नमो 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 ओम 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 ओम। ये किसकी आवाज है? वो देखिए देवराज, नीचे कोई तपस्या कर रहा है। ओम ओम ओम। ये कौन है गुरुदेव? राजा उत्तानपाथ का बेटा ध्रुव, आज 3 महीने से घोर तपस्या कर रहा है। घोर तपस्या क्यों? ऐसा स्थान पाने के लिए जहाँ से उसे कोई न उठा सके। तब तो ये तपस्या मेरे इंद्रासन के लिए है, मुझे इसका उपाय करना चाहिए। ये कैसे कहा जा सकता है? हाँ, उपाय करना कोई बुरा नहीं। कुछ भी हो, मैं अभी देखता हूँ। भगवान, मेरे बालक की रक्षा करना। वो मेरा नहीं, तुम्हारा बालक है। ओ, 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 ओ,
देवराज, क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान के भक्तों से लोहा लेना ठीक नहीं, जाओ लौट जाओ। मगर मुनिराज। अगर मगर कुछ नहीं, उस बालक से डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वो जिस चीज के लिए तपस्या कर रहा है वो लेकर ही रहेगा, त्रिलोकी की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। ओ, 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 क्या हो रहा है प्रभु? नहीं देवी, एक बालक तपस्या कर रहा है। बालक और तपस्या? हाँ, 6 महीने से तपस्या कर रहा है। उसके पैर के अंगूठे से दबी हुई धरती कांप रही है। अब तो उसने अपनी सांस भी रोक ली, इससे प्राणी मात्र का सांस रुक गया है। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। 7 साल के बालक ने आज मेरा आसन हिला दिया। ध्रुव, आंखें खोलो। ध्रुव, देखो मैं आ गया तुम्हारे सामने। धन है प्रभु आपको, और धन है आपके भक्त को, और भक्त भी ऐसे कि भगवान द्वार खटखटा रहे हैं लेकिन भक्त को परवाह तक नहीं। ये सब तुम्हारी ही लीला है। कुछ भी हो भगवान, यहां दाल नहीं गलने की। ये भक्त आपको ऐसा मिला है एक ही बस। ये क्या? देखो बालक, मैं आ गया। आप कौन हैं? जिसका तुम ध्यान कर रहे हो। मैं तो विश्वरूप भगवान का ध्यान कर रहा था, उस ज्योति को देख रहा था जो संसार की हर चीज में जगमगा रही है। निराकार भगवान साकार होकर मेरे सामने आए हैं, इसका सबूत। क्या मुझे भी सबूत देना होगा? नहीं तो मुझे कैसे विश्वास हो? अच्छी बात है, देखो मेरी ज्योति को देखो, इसमें से जैसा रूप तुम चाहोगे वैसा ही रूप प्रकट होगा। धन्य हो बालक, आज तुमने सचमुच भगवान को वश में कर लिया। गुरुदेव। हाँ भैया, आज तो तुम मेरे गुरु हो। चलो प्रार्थना शुरू कर दो। चलो
बदन निराला, सामन घन बदन निराला। इस मन का मोह मिटाओ प्रभु, अपने झलक दिखाओ प्रभु, अपने झलक दिखाओ। वह रूप चतुर्भुज न्यारा, वह रूप चतुर्भुज न्यारा, मुख चंद्र वदन उजियारा, मुख चंद्र वदन उजियारा। दो नैन कमल सजी पे, सिर मोर मुकुट अति प्यारा। हाथों में लेकर शंख चक्र, हाथों में लेकर शंख चक्र, गदा पद्म तुमाओ प्रभु, अपने झलक दिखाओ प्रभु, अपने झलक दिखाओ। मैं मूड मंद मति बालक, मैं मूड मंद मति बालक, जग छोड़ शरण में आया, जग छोड़ शरण में आया। तुम दीन बंधु करो नाम धारण, अपना दास बनाया, मुझे अपना रूप दिखाया। अब चरण धूल दे जाओ, अब चरण धूल दे जाओ। बोलो भक्त, क्या चाहिए तुम्हें? बालक, आज तुम जो मांगो वही तुम्हें मिल सकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, इन चरणों को पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। नहीं, जिस चीज को पाने के लिए तुम घर से निकले थे वो तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। पिता की गोद, पिता का राज सिंहासन और मेरी गोद, तीनों तुम्हारे लिए खाली है। तुम जहां चाहो वहां बैठ सकते हो। इसके सिवा जो स्थान आज तक किसी को नहीं मिल सका वो स्थान मेरा अभिचल पद, अभिचल पद भी मैं तुम्हें देता हूं। आज से उस लोक का नाम ध्रुव लोक होगा। सप्तऋषि मंडल तुम्हारे उस लोक की परिक्रमा करेगा। भगवान आपकी बड़ी कृपा। वो रहा ध्रुव। माँ, माँ। नारायण नारायण, कल्याण हो कल्याण। माँ बेटा, माँ भगवान ने मुझे अविचल पद दिया है, मुझे वहां से कोई नहीं हटा सकता। ध्रुव मुझे माफ करो बेटा। ये क्या कर रही हूँ माँ, तुम तो मेरी माता से भी बड़ी हो। अगर तुम मुझे पिताजी की गोद से न हटाती तो मुझे भगवान के दर्शन कैसे होते? तुम तो मेरी गुरु हो माँ। नहीं नहीं बेटा, चलो बेटा घर चलो। पिताजी। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं राजन, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, ये सब भैया की ही लगाई हुई आग थी। भैया की? हाँ राजन, इनकी मेरे साथ बहस हुई थी और उस बहस में जीतने के लिए ही ये सारा प्रपंच रचाया गया था। तुम्हारा दूसरा विवाह कराया, महारानी सुनीति को भगवान की भक्ति में लगाकर बालक के जन्म से पहले ही उसके संस्कार पवित्र बनाए। फिर रानी सुरुचि को भड़का कर बालक को राजमहल से अपमानित कराकर निकलवाया। ये सब
इन्हीं की माया थी। अच्छी बात है बहन सरस्वती, जी भर कर बदनाम कर लो, आज से कान पकड़े, जो फिर कभी मनुष्य लोक की तरफ कदम रखूं तो मुझे। भैया कसम ना खाओ, कसम हजम ना हो सकेगी, और कहीं तुमने मनुष्य लोक में जाना बंद कर दिया तो धरती पर महापुरुषों का जन्म लेना ही दुर्लभ हो जाएगा। जब तक तुम और तुम्हारी वीणा है तब तक त्रिलोकी में भक्ति का डंका बजता ही रहेगा। तुम्हारे ही कारण आज ये अविचल पद पा रहे हैं। देखो प्रकाश फैलाए, युग युग प्रकाश